अभी हम आ गए हैं चाय के स्टॉल में। ये वही चाय का स्टॉल है जहाँ पर हम लोगों ने जो है वर्स्ट फिश मार्केट एवर का जो शूट था, जो सेकेंड पार्ट था, वो यहाँ पर मैंने शूट किया था। Good morning guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine. So guys, आज का जो वीडियो है काफ़ी रिक्वेस्टेड था, मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे कि ऐसा जो है वीडियो बनाओ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो रिक्वेस्ट किया था। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ गब्बू के घर उसे लेने के लिए, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, फिलहाल उसे लेते हैं। लेने के बाद जो है हम देखते हैं कि वीडियो को हम और क्या कर सकें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे सारे हैं जो आप लोगों को आज पता चलेगा, जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो फिलहाल चलो वेट करते हैं और मिलते हैं गब्बू से, मिलके उसे ले चलते हैं। क्या हुआ रे हाथ को? ये कैसे लगा, कैसे ये? ওই ও আমার দরজা আছে না, আমি দরজাকে বন্ধ করতে গেছিলাম, সবার উপরে একটা সবার উপরে যেগুলো থাকে না ওইগুলো সরুক সাপ ছিল, তার থেকে ভুল করে হাত ফিসিয়ে গেছে, আমার হাতটা কেটে গেছে। হাতটা কেটে গেছে রে, হিন্দি মে বলতো তো আচ্ছা হতা না কাফি। জব মে দরজা কো বন্ধ কর রহা থা তব সবসে উপর কা জো পাত থা ও বহুত হি গলি লাগা উসকো ইয়া দেখ কে ক্যামেরা মে দেখ কে বলনা হতা। গলতি সে মেরা হাত ফিসল গিয়া থা আর মেরা হাত মে কাট গিয়া। मेरे हाथ में कट गया, इसलिए बोलते हैं हमेशा केयरफुल रहने का। केयरफुल रहोगे तो ही आप सतर्क रहोगे, तो ऐसे जो चोट है ना ऐसे लगेगा नहीं, और इंजेक्शन लेना नहीं पड़ेगा। सही बात है ना? इंजेक्शन लिया है। हाँ, तो इंजेक्शन लेना पड़ा ना, पर मुझे दर्द नहीं लगा। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। पहले उसने मसाज किया, इंजेक्शन दिया, फिर से मसाज किया। हाँ, फिर मसाज किया, इंजेक्शन दिया, फिर से मसाज किया। मतलब कैसा? गलती करने का, इंजेक्शन खाने का। कौन यहाँ तक आया था? क्रीम डबल पर पूरा रक्त है तब दिस है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है गब्बू अपना प्रेम कथा सुना रहा है, क्या क्या हुआ उसके साथ में। तो फिलहाल अभी चलो देखते हैं दीदी कब तक आती है, फिर निकलते हैं घर। गब्बू एज यूजुअल गेम खेलने में बिजी। आ गया हूँ आपका जोक मैन और सुनाने आया हूँ आपको एक जोक। बोल। आज मैं आ गया हूँ जोक मैन और सुनाने जा रहा हूँ आपको एक जोक। सुनिए, आप कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मत जाइए, वरना आपको कैंसर हो जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू में तो एकदम ही मत जाइए, वरना आपको ट्रॉपिक कैंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं अपने जोक को समाप्त करता हूँ। बाय ट्रेंडसेटर शोनो। ट्रेंडसेटर शोनो, वाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गुड इवनिंग गाइस, और फिलहाल गब्बू को भी जो है मैं उसके घर छोड़ के आ चुका हूँ, और गब्बू का जो है हाथ जो है वो थोड़ा सा भी फिलहाल ठीक है। और सबसे बड़ा टेंशन वाला सिचुएशन ये था क्योंकि उसका जो एग्जाम है वो 9th ऑफ दिस मंथ आने वाला है, विद इन 4 to 5 days के बाद। तो थोड़ा बहुत हम लोग वो लेके वरीज कर रहे थे कि एग्ज़ाम का जो उसका ये वाला फिंगर है उस पर ही कट हुआ था, तो फिलहाल तो अभी ठीक है, देखते हैं कि कब तक वो रिकवरी कर लेता है। तो ये जो है, हाँ ये जो है, ये है मुड़ी जो
सिमिलर टू झाल मुरी है, आप देख सकते हैं। बेसिकली शाम के वक्त जो है यही स्नैक्स जो है आपको हर बंगालियों के घर में मिलेगा। तो फिलहाल चलो मैं भी ये खा लेता हूँ। गाइस ट्रस्ट मी, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि आपने फुटेज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया है, सब कुछ किया है, अनफॉर्चुनेटली भी ऐसा होता है कि आपका बाय मिस्टेक जो है कैमरा ऑन होता नहीं है, या फिर कोई टेक्निकलिटी फॉल्ट रहता है और फुटेज जो है वो आता नहीं है। तो मेरे भी कुछ ऐसे सीन हो जाते हैं कि जब मैंने गब्बू को छोड़ने का, तभी मैंने एक शॉट लिया था जो प्रॉपरली आया नहीं, तो देखते हैं कि वो शॉट हम लोगों ने कहाँ लिया था। तो गाइस अभी हम आ गए हैं चाय के स्टॉल में, ये वही चाय का स्टॉल है जहाँ पर हम लोगों ने जो है वर्स्ट फिश मार्केट ट्रेवर का जो शूट था, सेकंड पार्ट था, वो यहाँ पर मैंने शूट किया था। तो फिलहाल अभी जो है चाय पी लेते हैं, ये हम चाय पी रहे हैं और बात करिए दादा के जो फ्रेंड्स हैं सभी ग्रीन टी पी रहे हैं। तो फिलहाल मैं झटपट ये चाय ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर। एक फनी इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गब्बू के चोट लगने से पहले हम ऐसे ही एक दिन मैं उसे स्कूल लेने गया था, तो स्कूल से जब हम रिटर्न आ रहे थे तो गब्बू ये कर रहा था, तो देखते हैं कि वो क्या कर रहा था। चलो खींच हल्के हल्के से, देख हल्के से खींच, हल्के से खींच 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 खींच, और शौनक जो है चला रहा है और धीरे धीरे जो है गब्बू चला रहा है। केस खाने का काम जो है गब्बू आज कर रहे हैं, रोज ही करता हूँ, रोज करता है, पर केस नहीं खाता, केस नहीं खाता, तो रस्ते में वापस आकर शुरू करता हूँ। और ये है गब्बू का एरिया, ये पूरा एरिया जो है वो गब्बू का है। चल चल आगे देख, भैंस कम कर कम कर कम कर कम कर कम कर, हाँ चल दे रही। अभी हल्का सा रेस दो चढ़ाने के लिए, रेस दो 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 रेस दो। चाय बंद कर। तो गाइस मैंने अपने हर वीडियो में मैंने कहा है कि एज ए ब्लॉगर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, बट मैं ऐसे देखता हूँ कि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स है जो कुछ कुछ इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देते ही नहीं है, वो सिर्फ कॉन्स्टेंटली अपने, मुझे ऐसे लगता है कि खाली व्यूज़ ही उनको चाहिए और नाम शोहरत जो कहते हैं ना, पर सोसाइटी के प्रति जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैंने देखा है कि वो शायद से उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। बट मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और सोसाइटी को भी जो जवाब है मुझे देना है। तो एक इश्यूज़ जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मुझे आए थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो जो था मैंने उसे थोड़ा सा ये कर दिया, थोड़ा सा मैंने केस को स्टडी किया, तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी बनाते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि देश में हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। आप अगर देखोगे कि जब भी आप न्यूज़ खोल रहे हो, काफ़ी सारे इसके अंदर रेप हो गया, डाउरी विक्टिम हो गया, मर्डर हो गया, ये वो काफ़ी सारे चीज़ जो है ऐसे सब चीज़ चल रहे हैं। तो ये सब देख के ऐसा एक फील होता है ना कि जो है हमारा देश, ये जो हमारे यूथ है या जो हमारा जो पब्लिक है देश का, वो किस तरफ जा रहे। तो मुझे सबसे अजीब लगता है कि एक इशू आया था बीच में, आप लोगों ने देखा होगा कि एक केस आया था हैदराबाद से, और उस केस में फर्स्ट डे जब पता चला कि ऐसा ऐसा रेप हुआ है और ये सिस्टम हुआ है, यू वोंट बिलीव, सबसे पहला न्यूज़ जो आया था वो आया था सोशल मीडिया, वीडियो हुआ वायरल, सब लोगों ने उस चीज़ को लेकर काफ़ी हाइप जो है क्रिएट किया। आई रियली थैंक फॉर दैट सोशल मीडिया, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये चीज़ को लेके। और अल्टीमेटली आज जो मुझे पता चला विद इन थ्री फोर डेज के अंदर कि वो जो चार लोग थे जिन्होंने जो एक्यूज थे जिन्होंने रेप किया था, उनको शायद वो एनकाउंटर पे मारे गए। तो इस किस्म का जो चीज़ होता है ना, तब जाके लगता है कि नहीं सिस्टम शायद थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का सजा ऐसे होना चाहिए, कोई भी जो क्राइम करता है उसके साथ वही चीज़ होना चाहिए, वो उसके लिए एक्चुअल सजा होता है, तो ये चीज़ होना चाहिए।
तो मुझे लगा कि क्यों ना कोई भी जो ब्लॉगर है या कोई भी है, इन्होंने ये चीज़ के ऊपर, इशू के ऊपर बात नहीं किया, तो मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये इशू के ऊपर बात करना चाहिए। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया को जो है अपने हथियार की तरह यूज़ कीजिए, हमेशा अच्छा चीज़ उस पर पोस्ट कीजिए, जो भी बुरे चीज़ है उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और इस किस्म का शेयर करके आप किसी न किसी की हेल्प आप कर सकते हो। अगर आपको भी कभी प्रॉब्लम ऐसे फील होता है कि कुछ आप अनयूजुअल सिचुएशन में अटक गए हो, तो प्लीज़ आप जो भी है सोशल मीडिया की हेल्प कीजिए, चाहे वो लाइव जाइए, लोकेशन शेयर कीजिए, जो भी अपने आप को सेफ कीजिए। तो यही जो मैसेज था मुझे आज कन्वे करना था। काफ़ी लोगों ने मुझे इस वीडियो बनाने के लिए मुझे मना भी किया था, पर फिर भी मैंने जो है हिम्मत करके या कोशिश करके मैंने आज कर दिया। तो इस इशू को लेके मुझे बात करना था तो मैंने आज किया। अगर आपको ये बात बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया वो सही है या गलत है। सो गाइस, पूरा दिन कैसे बीत गया ना, ये समझ में नहीं आया कि गब्बू को लेने गए थे, गब्बू को हम लेकर आए, आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मौज मस्ती किया, फिर करने के बाद जो है गब्बू के जो हाथ में चोट लगा था तो उसका भी जो है हम लोग देख रहे थे कि क्या हुआ है नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो गया उसके घर पर, हम उसे छोड़ कर आए, और काफ़ी सारे छोटे मोटे चीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया आज, और मैंने जिस बारे में आप लोगों को बताया उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक का जो बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए, प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करो, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसे दबा दो, उसके पास में एक बेल आइकन है उसे भी बजा दो, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर।